हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से एडमिट कार्ड आ चुके हैं UPSSC के। आप लोग सबसे पहले तो ये चीज़ कमेंट करिए कि आपके एग्ज़ाम डेट क्या है और कौन से शिफ्ट में आपको दिया है, ये आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग पार्ट नंबर 2 यहाँ पर करेंगे पत्र लेखन का। कहने को तो मैंने पत्र लेखन शुरू किया था, लेकिन मैंने आपको जितने भी 13-14 तरह के मसौदे हैं उनके बारे में बताना भी शुरू किया है। आप लॉन्ग टर्म तक इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। आप आगे कोई भी बड़ा फॉर्म फिल करेंगे MPPCS वगैरह का, RS वगैरह का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपका रहेगा। UPSSC से 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से ज़रूर पूछेगा। और बाकी 1 नंबर की तैयारी हो चुकी है और आज इस वीडियो में आप दूसरे नंबर की तैयारी कर लेंगे। 1+1 ये वीडियो है, आपके 2 नंबर इस वीडियो से पक्के हो जाने वाले हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कल बहुत सारे व्यूवर्स ने हमसे बोला था कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि सब कुछ पढ़ा जाए, आप थ्योरेटिकल ना समझा करके डायरेक्ट MCQs करवाएं। MCQs भी करेंगे यहाँ पर, 35 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs यहाँ पर करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि इनको सॉल्व करते समय हम कैसे सारे के सारे जो प्रारूपण के प्रकार होते हैं उनको समझते हुए जाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने 35 लिए हैं यहाँ पर और इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बनाए कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए प्रारूपण से। और ये क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, हम लोग इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं और साथ ही साथ देखते हुए भी चलेंगे जो भी प्रारूप हम डिस्कस करेंगे। हमारा आज का पहला MCQ रहेगा यहाँ पर पत्र लेखन में, सरकारी पत्र किन के लिए लिखा जाता है। हमें चीज़ें देख चुके हैं कि इनके लिए लिखा जाता है, क्या व्यक्तिगत सूचना देने के लिए, क्या व्यक्ति को सूचना देने के लिए, संबद्ध विभाग में परस्पर सूचना के आदान प्रदान के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जब हमने देखा था सरकारी पत्र के बारे में प्रीवियस वीडियो में, तो हमने आपको बताया था कि सरकारी पत्र किन मामलों में लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा है किसी व्यक्ति को अगर सूचना देना है तो लिखते हैं, विदेशी सरकारों को और UNO को अगर सूचना दिया जाना है किसी मंत्रालय के द्वारा तो भी लिखते हैं, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगर मंत्रालय को कोई भी सूचना देना है तो लिखते हैं, संवैधानिक निकायों को, सांविधिक निकायों को लिखते हैं, अधीनस्थ संबद्ध कार्यालयों के कार्यालयों को, प्रमुख को लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है। हमने डिस्कस किया हुआ है कि जहाँ पर भी आपको 2 मंत्रालयों के बीच या तो 2 विभागों के बीच, कार्यालयों के बीच, अनुभागों के बीच कन्वर्सेशन देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन तो किसके माध्यम से होगा, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश वगैरह के माध्यम से, ना कि सरकारी पत्र के माध्यम से। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है परस्पर सूचना का आदान प्रदान कभी भी पत्र से नहीं होता है, वहाँ पर कार्यालय ज्ञापन, अंतर विभागीय टिप्पणियाँ वगैरह चलती हैं। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी पत्र में किसका इस्तेमाल निषिद्ध है, सरकारी पत्र में हम क्या नहीं यूज़ करते हैं। हम डिस्कस किया हुआ था कि हम लोग उत्तम पुरुष एकवचन सरकारी पत्र में नहीं यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी मंत्रालय लिखेगा, मंत्रालय के किसी भी कार्यालय का कोई अध्यक्ष लिखेगा, अधिकारी लिखेगा, राजपत्रित अधिकारी कोई भी लिखेगा, वो मैं का प्रयोग नहीं करेगा कभी भी, वो अप्रत्यक्ष कर सकता है कि मुझे का प्रयोग कर सकता है कि हाँ मुझे आदेशित हुआ है, मैं आदेशित हुआ हूँ, ये नहीं लिखेगा, मुझे आदेश मिला है ऐसा करने का, ऐसा सूचना देने का आप सभी को। तो यहाँ पर क्या होगा, किसका इस्तेमाल निषिद्ध है, निषिद्ध यानी कि बैन है, हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, उत्तम पुरुष एकवचन, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। सरकारी पत्र में संबोधन मुख्य रूप से क्या हो सकता है, संबोधन वगैरह हमने बताया हुआ था आपको। सरकारी पत्र में संबोधन क्या होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये महोदय अगर मेल को लिखा जा रहा है और महोदया होगा अगर फीमेल को लिखा जा रहा है। आप जानते हैं सरकारी पत्र किसको लिखते हैं, कोई मंत्रालय का हेड लिखता है अपने अधीनस्थ या संबद्ध कार्यालयों अनुभागों के हेड को, प्रमुखों को लिखता है, तो जिस प्रमुख को लिखा जाएगा उसको या तो महोदय या तो महोदया लिखा जाएगा, ठीक है। मान्यवर, आदरणीय और नाम के साथ जी लगाने वाला काम किसमें आपको देखने को मिलता है, अर्ध सरकारी पत्र में। सरकारी पत्र के लिए स्वनिर्देश या तो अधोलेख क्या हो सकता है, स्वनिर्देश अधोलेख क्या होता है, जो नीचे लिखा जाता है अपने नाम और बदनाम से पहले, बहुदीय, आपका और ये सब जो लिखते हैं अलग अलग तरह के पत्रों में। सरकारी पत्र का प्रारूप पहले हमने दिखा दिया था, एक बार फिर से अवलोकन करेंगे यहाँ पर। ये प्रारूप और कलेवर है, देखिए ये जो चीज़ होती है इसको अधोलेख बोलते हैं या तो स्वनिर्देश भी बोलते हैं, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर मेल है तो बहुदीय करके लिखेगा, अगर फीमेल है तो बहुदीया लिखेंगी, ये होगा सरकारी पत्र में। सरकारी पत्र में स्वनिर्देश के लिए क्या प्रयुक्त होता है, बहुदीय या बहुदीया, ये होगा इसमें। आपका, अभिन्न, तुम्हारा, ये सब अर्ध सरकारी पत्र में चल सकता है कुछ हद तक, लेकिन इसमें सरकारी पत्र में हमेशा बहुदीय या तो बहुदीया लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक सरकारी पत्र के शीर्ष पर क्या लिखा होना चाहिए, सरकारी पत्र के सबसे टॉप मोस्ट में क्या लिखा होना चाहिए, दिखाते हैं क्या लिखा होना चाहिए। ये सरकारी पत्र का एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर आप देखोगे टॉप पर क्या लिखा है, पत्र संख्या लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार, फिर सचिवालय, उसके बाद कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, विभाग का पता, डेट वगैरह, सेवा में कौन है, किसको ये है, किसके लिखा गया है विषय, उसके बाद महोदय, तो ये पूरा प्रारूप है यहाँ पर। तो शीर्ष पर सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं।
तो शीर्ष पर लिखा जाएगा संख्या, पत्र संख्या। इस एमसीक्यू का क्या जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पावती का उद्देश्य क्या होता है? पावती हमने आपको बताया था एक्नॉलेजमेंट जिसको बोलते हैं, क्या मुख्य उद्देश्य होता है इसका? उद्देश्य होता है पत्र प्राप्ति की सूचना देना, पत्र प्राप्ति की सूचना देना। हमने पिछले वीडियो में अंतरिम उत्तर, पावती और अनुस्मारक के बारे में देखा था, इनके अलग अलग चीज़ों के बारे में हमने समझा था। तो पावती में आप देखोगे, पावती का एक आपको नमूना दिखाते हैं, ये एक्नॉलेजमेंट का एक एग्जाम्पल है। सरकारी कार्यालयों द्वारा प्रकाशन से संबंधित अनुभाग मोस्ट ऑफ द केसेस में पावती का यूज़ करते हैं, क्योंकि लेखक उनको अपने लेख भेजते हैं कि इनको छापा जाए या फिर कंसीडर किया जाए। तो जो सरकारी कार्यालयों में प्रकाशन से संबंधित अनुभाग होता है, वो लेख भेजने वालों को पावती लिखते हैं कि हाँ आपका हमको मिल गया है लेख और उस पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर विषय में ही लिखा हुआ है प्राप्ति सूचना। तो उस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? पत्र प्राप्ति की सूचना देना, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि हम विषय में ही लिख रहे हैं प्राप्ति सूचना। विषय में लिखा जाता है यहाँ पर प्राप्ति की सूचना, और लेख की उपयोगिता का आपको यथासंभव अवगत करा दिया जाएगा। कृपया आप पत्राचार ना करें, मतलब बार बार ना भेजें, अगर आपका लेख अच्छा है तो हम लोग उसको छापने में कंसीडर करेंगे। तो ये है एक्नॉलेजमेंट। अनुस्मारक कौन लिखता है? अगर ये पूछे क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए अनुस्मारक कब लिखा जाता है। अनुस्मारक हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, पिछला वीडियो आपको देखना जरूरी है इन सभी को करने के लिए। जिस मंत्रालय विभाग ने पहली बार पत्र लिखा वो लिखेगा। अनुस्मारक का मतलब ही है रिमाइंडर, यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी किसी संबद्ध कार्यालय के विभाग अध्यक्ष से, किसी मंत्रालय के द्वारा। अब मंत्रालय को विभाग अध्यक्ष ने कुछ रिटर्न ही नहीं किया, कुछ रिवर्ट ही नहीं किया, ऐसा लगा उसने रिसीव ही नहीं किया पत्र को, तो अनुस्मारक भेजा जाता है। अनुस्मारक में ये लिखा जाता है कि आपको जो हमने पत्र दिया लिखा था उसकी संख्या वगैरह लिख के, तो क्या हुआ उसका, ये सब पूछा जाता है इसमें। तो ये कौन लिखता है? जो मंत्रालय विभाग जिसने पहले पत्र लिखा हो किसी संबद्ध कार्यालय या विभाग के विभागाध्यक्ष को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अर्ध सरकारी पत्र अधिकांशतः टंकक से टंकित करवा के भेजा जाता है, हाथ से लिखा जाता है, काली स्याही से लिखा जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्ध सरकारी पत्र हमने डिस्कस किया हुआ है, ये अर्ध सरकारी पत्र हमने आपको बताया था कि दो राजपत्रित अधिकारी जो है आपस में बात करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एक राजपत्रित अधिकारी किसी प्राइवेट निकाय के भी हेड से बात करने के लिए इसका यूज़ कर सकता है। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है। यहाँ पर आप देखो कि प्रतीक चिन्ह भी होता है। ये प्रतीक चिन्ह आपको जो 13 अन्य प्रारूप हैं उनमें किसी में भी देखने को मिलेगा। अगर ये एमसीक्यू आ जाए कि इनमें से किस प्रारूपण में, किस मसौदे में आपको एक प्रतीक चिन्ह देखने को मिलता है, तो वो कौन सा होगा? वो होगा अर्ध सरकारी पत्र। ये है अर्ध सरकारी पत्र। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ और आपको बताई थी इसकी प्रॉपर्टीज़ में, कि अधिकांशतः ये आशुलिपिक से या तो स्टेनो से लिखवाया जाता है, या तो टाइपिस्ट इसको अपने टाइपराइटर से टाइप करके भेजता है। तो ये होता है इसमें। इसमें विषय और संदर्भ नहीं लिखते हैं, सेवा में कभी नहीं लिखते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ पर क्या होता है, संबोधन प्रिय, माननीय श्री, मान्यवर, माननीया सुश्री, आदरणीय श्री, ये सब हो सकता है इसमें, और जी भी लगाया जा सकता है नाम के बाद। हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी, गेस्टेड ऑफिसर, क्या करता है? अपने अधिकारी को, अपने साथ वाले अधिकारी को शुभकामनाओं सहित, सद्भावनाओं सहित, ये सब भी शुभ सूचक वाक्यांशों को लिख सकता है। अधोलेख में भवनिष्ठ, भवनिष्ठा, शुभेक्षु, शुभाकांक्षी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सेवा में लिखना पूर्णतया वर्जित है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखेंगे अर्ध सरकारी पत्र के बारे में। तो लगभग सारी प्रॉपर्टी मैंने बता दी, अब आप कर सकते हैं। अर्ध सरकारी पत्र अधिकांशतः टंकक से टंकित करवा के भेजा जाता है, इसका शीर्ष मुद्रित होता है। इनमें से किस तरह के मसौदे में विषय नहीं लिखते हैं? अच्छा, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि विषय आखिर किस में नहीं लिखते हैं। ये अर्ध सरकारी पत्र का एग्जाम्पल है। आप देखोगे यहाँ पर प्रतीक चिन्ह है, और यहाँ पर अर्ध सरकारी पत्र संख्या, भारत सरकार, डाक निदेशालय वगैरह। इस प्रतीक चिन्ह के बगल में लिखा रहता है उसका नाम, उस अधिकारी का, उसका पदनाम, जो पत्र भेजता है, जो अर्ध सरकारी पत्र भेजता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे प्रिय से शुरू हो गया, कहीं पर भी विषय नहीं आया, तो विषय हम लोग किसमें नहीं लिखते हैं? विषय हम अर्ध सरकारी पत्र में नहीं लिखते हैं, पावती में भी लिखते हैं। पावती में आपने देखा हम लोग क्या लिखते हैं, पत्र प्राप्ति की सूचना। कार्यालय ज्ञापन में भी लिखते हैं, अभी कार्यालय ज्ञापन आपको दिखाएंगे सब कुछ पूरा। अनुस्मारक में तो लिखते ही हैं। दो मंत्रालयों के बीच अगर सूचनाओं का आदान प्रदान होना है, कम्युनिकेशन होना है, तो उसके लिए किस तरह के मसौदे का यूज़ किया जाएगा? यहाँ पर यूज़ किया जाएगा कार्यालय ज्ञापन, ये सही है। अर्ध सरकारी पत्र तो दो राजपत्रित अधिकारी यूज़ करते हैं आपस में कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से किसी मामले पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत होती है। वहाँ पर अंतर विभागीय टिप्पणी अभी पढ़ी नहीं गई है, इसको भी मैं दिखा दूंगा, लेकिन ये है कि कार्यालय ज्ञापन और अंतर विभागीय टिप्पणी, इन दोनों का यूज़ किया जाता है जब दो मंत्रालय आपस में कम्युनिकेशन में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और सी इसमें सही है।
अब आपको हम जल्दी से कार्यालय ज्ञापन दिखा देते हैं, उससे अभी काफी सारे क्वेश्चन है इसमें। देखिए ये भी क्वेश्चन है, कार्यालय ज्ञापन में किस अनुच्छेद का क्रमांक नहीं लिखा जाता है? कार्यालय ज्ञापन के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि मंत्रालय विभाग कार्यालय के कर्मचारियों के लिए होता है, ये दो मंत्रालय के बीच ये कम्युनिकेशन का काम करता है। मंत्रालय और विभागों के बीच भी हो सकता है, एक मंत्रालय के दो विभागों के बीच भी कम्युनिकेशन करने के लिए होता है ये कार्यालय ज्ञापन। इसका प्रारूप और कलेवर देख लेते हैं, फॉर्मेट और कंटेंट कैसे लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पत्र संख्या आती है, भारत सरकार मंत्रालय विभाग, ये तो नॉर्मल होता है, ज़्यादातर सरकारी जैसा ही है। लेकिन बाद में क्या है, यहाँ पर मिडिल में मध्य में लिखा जाता है कार्यालय ज्ञापन, ठीक है। उसके बाद विषय लिखा जाता है, हमने क्या यहाँ पर मिस किया, जो हम लिखते थे सरकारी में या तो सरकारी में, हम यहाँ पर क्या लिखते थे, हम सरकारी पत्र में यहाँ पर लिखते थे संबोधन, संबोधन यहाँ पर मिसिंग है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अधोलेख भी मिसिंग है, इसमें आपका बहुत दिए ये सब कुछ नहीं लिखा जाएगा, डायरेक्ट हस्ताक्षर करेगा अधिकारी और अपना पदनाम लिखेगा, अपने मंत्रालय का नाम लिखेगा। अर्ध सरकारी पत्र में हम लोग सेवा में कभी नहीं लिखते, लेकिन इसमें सेवा में लिखा जाता है, लेकिन सब कुछ करने के बाद सेवा में यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं, क्योंकि एक मंत्रालय अपना कम्युनिकेशन कई सारे मंत्रालयों को अगर एक साथ करना चाहता है तो सेवा में प्राप्तकर्ता मंत्रालयों की संख्या यहाँ पर बढ़ सकती है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि कार्यालय ज्ञापन का जो पहला अनुच्छेद होता है उसमें क्रमांक नहीं डालते हैं, उसमें क्रम नहीं डालते हैं, उसमें वन नहीं लिखते हैं। हालांकि जब दूसरा अनुच्छेद लिखा जाएगा कंटेंट का, कलेवर का, तब उसमें दो डाला जाएगा, फिर तीन डाला जाएगा, यानी कि गिनती कब से शुरू होती है पैराग्राफ्स की कार्यालय ज्ञापन में, दो से शुरू होती है, दो तीन चार पाँच। अभी आपको दिखाते हैं, जब सभी मंत्रालयों और उसके संबद्ध कार्यालयों को सूचना देने के लिए कार्यालय ज्ञापन लिखा जाता है तो ये फॉर्मेट बनता है। सबसे पहले संख्या होती है, फिर भारत सरकार का मंत्रालय, राजभाषा विभाग, यहाँ पर पता, दिनांक, वो सब, और यहाँ पर मिडिल में होता है कार्यालय ज्ञापन। फिर विषय लिखा जाता है, आप देखेंगे यहाँ पर पहला पैराग्राफ ये है, लेकिन इसमें वन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ से टू लिखा हुआ है, ठीक है। वन को हटा के डायरेक्ट टू से गिनती चालू होती है, फिर टू के बाद आता है थर्ड पैरा और फिर ये पत्र खत्म हो जाता है। मान लीजिए फोर्थ होता तो यहाँ पर फोर्थ आ जाता, लेकिन वन का नंबर नहीं डालते हैं, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप प्रतिलिपि प्रेषित भी लिख सकते हैं सेवा में के बजाय, जब बहुत सारे रिसिपियंट होते हैं। देखिए यहाँ पर कितने रिसिपियंट है, यहाँ पर है 9 रिसिपियंट, ठीक है। तो यहाँ पर सबको सेवा में ना लिख करके प्रतिलिपि प्रेषित लिख दिया है। प्रतिलिपि का यहाँ पर क्या मतलब होता है, प्रतिलिपि का मतलब होता है डुप्लीकेट, यानी कि डुप्लीकेट कॉपी इन सभी को भेज दी जाए। सो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इससे, कार्यालय ज्ञापन के किस अनुच्छेद का हम लोग क्रमांक नहीं लिखते हैं, हम लोग पहला नहीं लिखते हैं, यहाँ पर है। एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन में सही वाला डालना ही भूल गया हूँ, यहाँ पर पहला आंसर होगा, यानी कि जो तो पहला अनुच्छेद होता है उसका क्रमांक नहीं लिखा जाता है, सेकंड से शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें अमेंड कर लीजिएगा आप, यहाँ पर दूसरे की जगह पहला होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए में। पहले अनुच्छेद में जो है क्रमांक नहीं लिखा जाता है, बाकी में दो तीन चार पाँच से शुरू करते हैं कार्यालय ज्ञापन में। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि अनुस्मारक में अनुस्मारक कहाँ पर लिखा जाता है, ये चीज़ मैंने बताई थी आपको स्पेसिफिकली। अनुस्मारक में अनुस्मारक लिखा जाता है दाई तरफ, पत्र के दाई तरफ, जैसे पूरा फॉर्मेट होता है कलेवर, तो यहाँ पर दाई तरफ लिखा जाता है अनुस्मारक। दिखा देते हैं आपको एक बार फिर से, अनुस्मारक का ये कलेवर प्रारूप है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अनुस्मारक लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र की भाषा कैसी हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए सरकारी भाषा, व्यक्तिगत भाषा, मित्रतापूर्ण भाषा, या फिर व्यक्तिगत भाषा भी मित्रतापूर्ण भाषा भी। आप लोग क्या सोचते हैं इस ऑप्शन के बारे में, ये हमको कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका एग्जैक्ट उत्तर, बताइए कमेंट करके। इनमें से संबोधन हम लोग किस तरह के मसौदे में नहीं लिखते हैं, अनुस्मारक में लिखते हैं बिल्कुल, पावती में भी लिखते हैं, अंतरिम उत्तर में भी लिखते हैं, लेकिन हम कार्यालय ज्ञापन में कभी भी विषय नहीं लिखते हैं, सॉरी संबोधन नहीं लिखते हैं, सॉरी सॉरी, विषय तो लिखते हैं, संबोधन नहीं लिखते हैं। देखिए कार्यालय ज्ञापन में, कार्यालय ज्ञापन लिखने के बाद यहाँ पर विषय से कलेवर यानी मेन कंटेंट शुरू हो जाता है, यहाँ पर कहीं भी संबोधन नहीं होता है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर अधोलेख होता है। अब हम बात करेंगे कार्यालय आदेश के बारे में, फिर इस एमसीक्यू को भी कर लेंगे। कार्यालय आदेश में क्या नहीं लिखा जाता है, कार्य इनमें से कार्यालय आदेश किसके लिए नहीं लिखते हैं, आकस्मिक अवकाश की मंजूरी के लिए, कर्मचारियों के स्थानांतरण तैनाती के लिए, नियुक्ति के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, रिमूवल के लिए, आंतरिक प्रशासनिक कार्यों के लिए नहीं लिखते हैं क्या, या अनुभागों के बीच कार्यों के वितरण के लिए नहीं लिखते हैं क्या? इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कार्यालय आदेश जल्दी से दिखा देते हैं आपको। कार्यालय आदेश किस लिए यूज होता है, आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए। अनुदेश का मतलब इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस होता है। मान लीजिए एक कार्यालय में कई सारे, मतलब एक अनुभाग में कई सारे कार्यालय हैं,
में बहुत सारे कर्मचारी प्लस अधिकारी काम करते हैं, तो अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच क्या क्या काम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये सब बताया जाता है कार्यालय आदेश के द्वारा। कार्यालय आदेश को अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य पुरुष में लिखते हैं। और सूचना परक भाषा का प्रयोग किया जाता है कार्यालय आदेश में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आदेश अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें भाषा जो है थोड़ी सी बदल जाती है। कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए लिखा जाता है क्या क्या काम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मान लीजिए एक कर्मचारी को दूसरे अनुभाग में भेज दिया गया है, दूसरे कार्यालय में भेज दिया गया है, तो उसके लिए आकस्मिक अवकाश और प्रतिबंधित अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार की छुट्टियों की मंजूरी के लिए और प्रशासनिक कार्यों के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए नहीं जारी किया जाता है, ये आपका कार्यालय ज्ञापन, सॉरी कार्यालय आदेश। आकस्मिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश समझ रहे, मान लीजिए अटल बिहारी जी की डेथ हो गई थी, तो एक कार्यालय थोड़ी ना डिसाइड कर लेगा कि कल से ऑफिस बंद रहेगा, कार्यालय नहीं डिसाइड करता है, मंत्रालय से ऊपर से आदेश आता है, मंत्रालय से एक सरकारी पत्र आकर के गिरता है संबद्ध कार्यालय के विभाग अध्यक्ष के ऊपर, संबद्ध कार्यालय का जो विभाग अध्यक्ष होता है उसको एक सरकारी पत्र मिलता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें लिखा रहता है कि अब आप छुट्टी कर सकते हैं। तो आकस्मिक और प्रतिबंधित जो अवकाश होते हैं उनके लिए यहाँ पर कभी भी कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन नहीं लिखा जाएगा, उनके लिए लिखा जाएगा सरकारी पत्र, और मंत्रालय लिखेगा विभाग के अध्यक्ष को या फिर संबद्ध कार्यालय के अध्यक्ष को। कार्यालय आदेश का नमूना दिखा देते हैं, इसमें भी संख्या सबसे पहले लिखी जाएगी, बाद में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, ये सब नॉर्मल रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर भी कभी भी ना संबोधन होगा ना विषय होगा, यहाँ पर कार्यालय आदेश डायरेक्टली, कार्यालय आदेश मिडिल में यहाँ पर लिखा जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर मेन कंटेंट यानी कि कलेवर शुरू हो जाएगा। इसमें भी कार्यालय ज्ञापन की तरह क्या होता है कि अनुच्छेद सेकंड से शुरू होता है ना कि फर्स्ट से, फर्स्ट अनुच्छेद यहाँ पर नहीं डालते हैं, सेकंड से ही शुरू करते हैं। आप देखोगे पहला अनुच्छेद ये है, यहाँ पर नंबर वन नहीं डाला है, डायरेक्ट सेकंड से शुरू हुआ और यहीं पर खत्म हो गया है। यहाँ पर भी अब जैसे कार्यालय आदेश है तो जितने भी सब ऑफिसेस हैं वहाँ भी भेजना है, तो यहाँ पर भी प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित लिखा जाता है कि यानी इनको भेज देना, इनको भेज देना, इनको भेज देना, और बाकी ये लोग जो है बांट देंगे सभी में। तो आप कर सकते हैं हम क्वेश्चन, कार्यालय आदेश किन मदों में नहीं लिखते हैं। कार्यालय आदेश आकस्मिक अवकाश की मंजूरी के लिए नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। कार्यालय आदेश में क्या नहीं लिखा जाता है, कार्यालय आदेश में संबोधन नहीं लिखा जाता है, अधोलेख भी नहीं लिखा जाता है, सेवा में भी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि प्रतिलिपि सूचनार्थ और कार्रवाई हेतु प्रेषित ये लिखा जाता है, और उपरोक्त सभी इसका आंसर है सही वाला। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा कि कार्यालय आदेश में विषय भी नहीं लिखा जाता है, जो हम देख चुके हैं, तो विषय भी नहीं यहाँ पर, संबोधन भी नहीं, अधोलेख भी नहीं, और सेवा में भी नहीं। अधोलेख में, अधोलेख के रूप में आपका शुभकांक्षी, शुभेक्षु, भवनिष्ठ, ये सब कब लिखे जाएंगे, किस तरह के मसौदे में लिखे जाएंगे, ये अर्ध सरकारी पत्र में लिखे जाते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मित्रवत भाषा का प्रयोग उसमें होता है। आपका शुभकांक्षी, शुभेक्षु, भवनिष्ठ, ये सब जो शब्द हैं थोड़े से व्यक्तिगत हैं और मित्रवत मित्र जो है एक दूसरे को लिखते हैं। कार्यालय ज्ञापन में कार्यालय ज्ञापन जो है कहाँ पर लिखा जाता है ये आपको बताना है, इसमें देख ही चुके हैं कार्यालय ज्ञापन कहाँ पर लिखा जाता है, प्रारूप के मध्य में, एकदम मिडिल में लिखा जाता है। यहाँ पर जब भारत सरकार कार्यालय का नाम, विभाग का नाम लिखने के बाद मिडिल में यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड कैपिटल से लिखा जाता है, प्रारूप के मध्य में कार्यालय ज्ञापन। इस स्लाइड में जो भी क्वेश्चन हैं वो आदेश से रिलेटेड है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आदेश क्या है और कैसे ये कार्यालय आदेश से भिन्न है। हम लोग आदेश के बारे में अगर बात कर लें तो आमतौर पर ये कार्यालयों का है, उनके इंटरनल मामलों के लिए है। कार्यालय में अगर कोई वित्तीय मंजूरी चाहिए, अनुशासनिक मामलों के संबंध में कर्मचारियों को सरकारी आदेश के सूचना देने के लिए, ये आप समझ नहीं पाए होंगे, आपको समझाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुशासनिक मामलों से संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेशों की सूचना देने के लिए, मान लीजिए कोई कार्यालय में हंगामा खड़ा कर देता है क्वार्टर लगा करके, तो क्या होता है उसमें, अब ऐसा नहीं होगा कि कार्यालय ही सब कुछ डिसाइड कर लेगा मंत्रालय की तरफ से, हालांकि कार्यालय रिपोर्ट देगा कि हमारा अधिकारी नहीं सही काम कर रहा है। अब ऊपर से एक सरकारी पत्र आएगा जो कार्यालय का अध्यक्ष होगा उसके पास, कार्यालय का अध्यक्ष उस पत्र को डायरेक्टली नहीं दे देगा कि लीजिए आपके खिलाफ आया है, वो एक आदेश लिखेगा, ठीक है, आदेश लिखेगा विभाग अध्यक्ष उस अनुशासनहीन कर्मचारी पर, और उसका मैटर लेगा अपने सरकारी पत्र से जो उसको खुद मिला है। तो ये है कहने का मतलब, यहाँ पर अगर किसी के ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई हो रही है, उसकी रिपोर्ट दी जानी है, तो वो आदेश के माध्यम से दी जाएगी, विभाग अध्यक्ष आदेश जारी करेगा उस कर्मचारी के लिए, ठीक है, हालांकि वो इन्फॉर्मेशन जो भी ड्रॉ करेगा ऊपर से आए हुए अपने सरकारी पत्र में लिखे हुए आदेश से। आई होप समझ पाए होंगे आप, आगे बढ़ते हैं।
तो दो चीजें यहाँ पर जरूर ध्यान रखिएगा कि आदेश कब ज्यादातर यूज होता है वित्तीय मंजूरियों के लिए किसी कार्यालय में, किसी पर अनुशासनिक कार्रवाई हो रही है उस संबंधित अधिकारी को संबंधित कर्मचारी को सूचित करने के लिए आदेश का प्रयोग होता है। कार्यालय आदेश और आदेश में ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, बस मिडिल में जो है कार्यालय आदेश लिखते थे, आदेश लिख दिया यहाँ पर, बाकी नॉर्मल सेम है ना, यहाँ पर विषय है ना यहाँ पर संबोधन है और ना यहाँ पर अधोलेख है, तो बस डायरेक्ट जो है आदेश के बाद कलेवर से शुरू करना है। एक जो कॉमन चीज़ है कार्यालय आदेश में, कार्यालय ज्ञापन में और आदेश में, वो ये चीज़ है कि यहाँ पर जो है वन से शुरुआत नहीं होती पैराग्राफ की, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 से शुरुआत होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। सो अब इन स्लाइड के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इनमें से किस का प्रयोग अनुशासनिक मामलों से संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेश की सूचना देने के लिए होता है, ये आदेश होता है अनुशासनिक मामलों से संबंधित और वित्त मामलों से संबंधित अगर कोई बात है कार्यालय में, तो कार्यालय आदेश की भाषा कैसी होती है? कार्यालय आदेश की भाषा होती है सूचना परक भाषा होती है, ठीक है, सूचना परक भाषा का प्रयोग होता है, हम दिखा चुके थे आपको। सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूचना परक भाषा होती है, आदेश की भाषा कहती होती है, आदेश की भाषा सूचना परक नहीं होती है, यही डिफरेंस है दोनों में। कार्यालय आदेश की भाषा सूचना परक होती है लेकिन आदेश की भाषा आदेशात्मक होती है, ध्यान रखिएगा। आदेश की भाषा कैसी होती है? आदेशात्मक होती है और दोनों को ही अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कार्यालयों में वित्तीय मंजूरी के लिए किसका प्रयोग होता है? एक बार फिर से यहां पर होगा आदेश। अब इसमें है अंतर विभागीय टिप्पणी के शीर्ष पर क्या लिखा जाता है? अंतर विभागीय टिप्पणी के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा, हमने एमसीक्यू तो एक ही दो बनाया लेकिन फिर भी आपको सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में। इसका प्रयोग दो मंत्रालय और दो संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों के बीच किया जाता है, भारत सरकार के वर्तमान नियमों के बारे में, इंस्ट्रक्शंस के बारे में, स्पष्टीकरण या कोई कागज पत्र प्राप्त करने होते हैं, या फिर किसी सक्षम अधिकारी से कोई विशेष सुझाव, सहमति, स्पष्टीकरण चाहिए होता है, तो इसके लिए अंतर विभागीय टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है। अंतर विभागीय टिप्पणी का जो प्रयोजन है वो अर्ध सरकारी पत्र के समान है कि यहाँ पर विशेष सम्मति चाहिए, लेकिन यहाँ पर 1-to-1 बात नहीं करते, यहाँ पर अन्य पुरुष में बात लिखी जाती है। आदेशात्मक आज्ञात्मक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, वैयक्तिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, व्यक्तिगत भाषा का प्रयोग किया जाता है कि आप देख लीजिएगा, ऐसा करिएगा, वैसा करिएगा, ऐसा करें, वैसा करें, अनुरोध है, निवेदन है, यह व्यक्तिगत भाषा के टूल्स माने जाते हैं। आदेशात्मक भाषा कैसी होती है कि आदेशित हुआ है, ये किया जाए, ऐसा किया जाए, ऐसा हो। अब हम एक अंतर विभागीय टिप्पणी देख रहे हैं यहाँ पर, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। अब देखोगे हमने एमसीक्यू में क्या पूछा है आपसे कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मंत्रालय विभाग का नाम लिखा जाता है, उसके बाद विषय होता है यहाँ पर, और फिर मेन कलेवर जो है कंटेंट यहाँ से शुरू हो जाता है। कंटेंट के बाद यहाँ पर हस्ताक्षर किया जाता है, फ़ोन नंबर यहाँ पर नॉर्मल के तरीके, यहाँ पर भी अधोलेख नहीं होता है ना संबोधन होता है, हालांकि यहाँ पर विषय होता है, संबोधन अधोलेख नहीं है लेकिन विषय है। और एक पेक्यूलरिटी है इसकी कि एक लंबी सी लाइन यहाँ पर खींची जाती है, यहाँ पर लिखा जाता है जो जो ये टिप्पणी है जिसको बोलते हैं हम लोग अंतर विभागीय टिप्पणी, तो अंतर विभागीय टिप्पणी जिस मंत्रालय को भेजी गई है उसका नाम ऊपर लिखा जाता है, जिस मंत्रालय ने भेजी है उसका नाम नीचे लिखा जाता है, ये बहुत ध्यान में रखिएगा लाइन के ऊपर नीचे वाला, अगर आपसे पूछ ले तो लाइन के नीचे जिसने रिसीव किया है, जिसने भेजा है पत्र को, और लाइन के ऊपर जिसने पत्र को रिसीव किया है। एक बार फिर से दिखा देते हैं, देखिए मंत्रालय का नाम जिसने जिसको भेजी जानी है, ठीक है, यानी कि जिसने प्राप्त की है अंतर विभागीय टिप्पणी, भेजने वाले मंत्रालय का नाम जिसने अंतर विभागीय टिप्पणी भेजी है, और यहाँ पर अंतर विभागीय टिप्पणी संख्या सबसे आखिरी में, तो ये फॉर्मेट होता है कुल मिलाकर के अंतर विभागीय टिप्पणी का। इसकी पेक्यूलर चीज क्या है? एक लंबी सी लाइन। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंतर विभागीय टिप्पणी के शीर्ष पर लिखा जाता है मंत्रालय विभाग का नाम, उसके नीचे विषय। अंतर विभागीय टिप्पणी में भाषा कैसी होगी? यहाँ पर व्यक्तिगत भाषा होती है, ठीक है, आदेशात्मक नहीं होती, सूचना परक नहीं होती है। अब अगला है यहाँ पर कि जब किसी कागज को मूल रूप से प्रेषक को लौटाना हो तो किस मसौदे का हम लोग प्रयोग करते हैं? इसका आंसर बता दे रहे हैं आपको, हम लोग पृष्ठांकन का प्रयोग करते हैं, पृष्ठांकन दिखा देते हैं थोड़ा सा आपको। इससे पहले समझ लीजिए कि पृष्ठांकन दो प्रकार से कर सकते हैं, मूल पत्र के नीचे भी लिख सकते हैं और या तो अलग से उसका फॉर्मेट बना सकते हैं। तो अलग से जो फॉर्मेट बनता है वो इस तरह का कुछ बनता है, अलग से जो फॉर्मेट बनता है इस तरह का बनता है। नमूना नंबर टू, यहाँ पर संख्या लिखी जाती है, भारत सरकार मंत्रालय विभाग, स्थान दिनांक हमेशा की तरह सेम सिमिलर,
बस इतनी लिखी जाती है प्रश्नांकन। प्रश्नांकन बहुत छोटा लिखा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बस इतना लिखना होता है कि मंत्रालय कार्यालय विभाग को नीचे लिखे गए पत्रों की एक एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है, ठीक है। यानी कि पत्रों की सूची यहाँ पर लिख दी, गृह मंत्रालय का जो ये कार्यालय ज्ञापन है, ये जो कार्यालय ज्ञापन है इसकी संख्या ये है ये, और वित्त मंत्रालय का जो पत्र संख्या ये है ये, अब किनको किनको भेजना है। सभी निम्नलिखित मंत्रालयों को, कार्यालय को, विभाग को एक एक प्रति आवश्यक सूचना कार्रवाई के लिए। तो ये कुल मिला के रोल होता है कि यानी कि कई सारे अगर पत्र हैं तो एक अलग से ड्राफ्ट उसका बना लिया जाता है एक पेज में कि हाँ इनको इनको भेजना है। और अगर एक ही पत्र है तो उसी पत्र में नीचे लिख सकते हैं कि इस पत्र की ये जो है डुप्लीकेट करवा करके, जेरोक्स करवा के इनको भेज दिया जाए। जब पत्र के नीचे लिखते हैं तो खाली ये पत्र संख्या डाल देते हैं, दिनांक डाल देते हैं और इतना लिख देते हैं कि कार्रवाई हेतु भेज दिया जाए इसको, और हस्ताक्षर कर देता है अधिकारी अपना। तो प्रष्टांकन आता है पत्राचार के में, ये इंपॉर्टेंट है। प्रष्टांकन सरकारी पत्राचार का एक रूप है, ये इंपॉर्टेंट है अगर आपसे पूछ लें कि कौन सा नहीं है। तो प्रष्टांकन के प्रयोग क्या होता है, सबसे जो इसका मेजर प्रयोग यही होता है कि जैसे किसी ने अप्लाई किया, मान लीजिए लोन के लिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लोन का दे रखा है, कोई सरकारी कर्मचारी काम करता है कार्यालय में, उसको एक वाहन लेना है, उसको कार लेनी है, तो उसने लोन के लिए अप्लाई किया, जो भी फॉर्मेट होता है उसमें उसने लिख करके भेजी डिटेल्स। लेकिन जो संबद्ध कार्यालय है जो लोन वगैरह के मामले देखता है, उसको लगा कि इसमें कुछ कमियां हैं, उसमें उन्होंने कुछ त्रुटि कर दी है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, कहीं पर हस्ताक्षर करना भूल गए हैं, तो वहां पर वाहन अग्रिम के लिए आवेदन वैसा का वैसा जैसे उन्होंने भेजा था वो वापस कर दिया जाता है। नीचे इतना लिख दिया जाता है उसी आवेदन में कि श्री डैश 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 आपके वाहन एडवांस के लिए जो आवेदन पत्र है उसकी संख्या ये है, वहां पर आपने पॉइंट नंबर 11 नहीं भरा है, आप जब तक भर करके नहीं भेजेंगे आवश्यक कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो ये होता है प्रष्टांकन का मेन प्रयोग। इसको आप कमेंट भी बोल सकते हैं, जैसे आप बैंक में जाते हैं, अगर आपने फॉर्म नहीं अच्छे से भरा है तो फिर उसी फॉर्म में नीचे अधिकारी लिख देता है कि इन्फॉर्मेशन नॉट कंप्लीट और आपका फॉर्म हटा दिया जाता है। तो ये है प्रष्टांकन। प्रष्टांकन का दूसरा प्रयोग बता चुके हैं, कोई पत्र होता है उसको आपको कई अनुभागों में भेजना है तो पत्र के नीचे लिख दिया जाता है कि इनको इन इन अनुभागों में भेज दिया जाए फोटोकॉपी करवा करके। सो इस क्वेश्चन का आंसर प्रष्टांकन होगा। आप समझ पाए होंगे अगर किसी कागज को मूल रूप से जैसा उसने भेजा था वैसा का वैसा लौटाना हो तो हम लोग प्रयोग करते हैं किस मसौदे का, प्रष्टांकन का। यदि किस इनमें से किस मसौदे में एक लंबी लकीर आपको देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है अंतर विभागीय टिप्पणी में। अगला हमारा एमसीक्यू है कि इनमें से कौन सा मसौदा यानी कि कौन सा आपका जो फॉर्मेट है वो मिसिल पर भी बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो मिसिल का मतलब क्या है, मिसिल का मतलब होता है फाइल, मिसिल का इंग्लिश इक्विवेलेंट होता है फाइल, ये ध्यान रखिएगा। कौन सा जो ड्राफ्ट है वो फाइल में भी बनाया जा सकता है, तो ये है आपका अंतर विभागीय टिप्पणी, ऑप्शन नंबर बी। अंतर विभागीय टिप्पणी दो प्रकार से लिख सकते हैं, अब फाइल में ही लिखी जा सकती है, फाइल में लिख के दे दिया और मंत्रालय तक पहुंच गई, विभाग में वो फाइल जाती जाएगी जैसे जैसे वैसे वैसे वो फैलता जाएगा, या तो अलग से नोट शीट में टिप्पणी बनाई जाती है। अलग से नोट शीट में कैसे बनाई जाती है वो हमने आपको दिखाया इस तरीके से। अगला एमसीक्यू में से कौन सा मसौदा मूल पत्र पर भी बनाया जा सकता है, हमने देखा यहाँ पर अभी कुछ मिनट पहले, प्रष्टांकन जो है मूल पत्र पर भी लाइन लिखी जा सकती है कि इन इन लोगों को भेज दिया जाए। पत्राचार का वो रूप जो भारत के गजट में प्रकाशित होता है, ये कौन है, ये है आपका अधिसूचना। अधिसूचना जो है भारत के गजट ऑफ इंडिया में ये प्रकाशित की जाती है, ये ध्यान रखिए। इसमें अधिसूचना भी आपको थोड़ी सी दिखा देते हैं, अधिसूचना के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति होती है, उनकी प्रमोशन होती है, उनका ट्रांसफर होता है, उनकी जगह पर कोई दूसरा लाया जाता है, तो ये गजट ऑफ इंडिया में छापा जाता है। सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना भी गजट ऑफ इंडिया में दी जाती है। शक्तियों को सौंपने जाने की अधिसूचना भी राजपत्र में प्रकाशित होती है। अधिसूचना का फॉर्मेट कैसा होता है, यहाँ पर सबसे पहले भारत के राजपत्र के भाग और खंड का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो ये अगर आ जाए कि अधिसूचना में सबसे पहले क्या लिखा जाता है कि जो गजट ऑफ इंडिया है उसके कौन सा भाग है और कौन से खंड में ये अधिसूचना प्रकाशित होने वाली है, फिर बीच में अधिसूचना लिखा जाता है, संबोधन और अधिलेख नहीं होता इसमें। गजट ऑफ इंडिया के बारे में एक दो चीजें भी जान लेते हैं अगर यहां पर है तो, भारत के राजपत्र गजट के पांच भाग होते हैं। दूसरा भाग जो है भारत सरकार प्रेस नई दिल्ली में पब्लिश होता है और बाकी सारे कहाँ पर होते हैं, भारत सरकार प्रेस फरीदाबाद में। तो ये भी कहवा जाए जी के फैक्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। पहले और दूसरे भाग में चार चार खंड होते हैं, चौथे और पांचवें भाग में और गैर सरकारी व्यक्तियों और निकायों के विज्ञापन और जन्म एवं मृत्यु संबंधी आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं, ठीक है। किस भाग में, चौथे और पांचवें भाग में, ये अधिसूचना का इन्होंने दे रखा है। इसमें सबसे पहली चीज यही लिखी है ब्रैकेट में कि भारत के राजपत्र भाग एक खंड
तो में प्रकाशनार्थ है, भारत सरकार और बीच में संख्या और ये सब अधिसूचना यहाँ पर मिडिल में लिखा जाता है। कोई विषय नहीं होगा यहाँ पर, कोई संबोधन नहीं होगा, और ना ही, हाँ, और ना ही यहाँ पर कोई अधोलेख होगा। यहाँ पर सेवा में लिखा जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। अधिसूचना के बारे में क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर सही है। पत्राचार का वो रूप जो भारत के गजट में छपता है, अधिसूचना है। अधिसूचना का प्रयोग किन में किया जाता है? अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है संविधिक नियमों की सूचना देने के लिए, राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति के लिए, स्थानांतरण के लिए, शक्तियों के सौंपे जाने के लिए भी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ये आप याद रख सकते हैं। अब इनमें से कौन जो है सरकारी पत्राचार का एक प्रकार नहीं है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, परिपत्र को एक सरकारी पत्राचार का प्रकार नहीं मानते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रेस विज्ञप्ति के शीर्ष पर क्या लिखते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति में सबसे पहले लिखा जाता है ये चीज़ कि कब ना प्रकाशित किया जाए, इससे इस दिनांक से या फिर इस समय से पूर्व प्रकाशित ना की जाए, ये सबसे पहले मेंशन करना होता है प्रेस विज्ञप्ति में। प्रेस विज्ञप्ति बहुत आसान है, जो लोग पीआईबी पर गए होंगे उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति देखी होगी, प्रेस रिलीज वहाँ पर छपती है पीआईबी की वेबसाइट पर। परिपत्र को हम लोग इंग्लिश में सर्कुलर बोलते हैं। सर्कुलर के जो भी नियम होते हैं आप जानते हैं, चेंज होते रहते हैं। मान लीजिए मौसम बदल गया तो लोगों को कहा जाता है कि गर्म कपड़े पहन कर आएँ, तो वो सर्कुलर होता है स्कूल में, तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ना ही इसमें कोई ये सरकारी अनुदेश होता है। मान लीजिए क्या नाम से बारिश चल रही है और कार्यालय में एक सर्कुलर आता है, सर्कुलर जो होता है एक विभाग के कर्मचारियों तक संबद्ध होता है और वो ये बाहर नहीं जाता है। मान लीजिए कोई एक डिपार्टमेंट है उसमें 10 लोग हैं, तो जो सर्कुलर है वो खाली 10 लोगों के ऊपर काम करेगा, दूसरा विभाग है उसके लिए अलग सर्कुलर वहाँ का जो विभाग अध्यक्ष है वो जारी करेगा। तो सर्कुलर का स्पैन काफ़ी सीमित होता है और ये बार बार बदल भी जाते हैं, इस वजह से इसको पत्राचार का रूप नहीं मानते हम लोग, और ना ही इसमें किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा की जाती है। इसमें खाली वन वे कम्युनिकेशन होता है। सर्कुलर जनरली नोटिस बोर्ड पर लगा दिए जाते हैं और बाकी आने जाने वाले लोग उसको ऑफिस के पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, इसका कोई बहुत फिक्स्ड फॉर्मेट में नहीं है। अगर बैंक में सर्कुलर छप रहा है तो इस तरह का लिख सकते हैं, और अगर दूसरी किसी बात के लिए छप रहा है, मान लीजिए रिक्त पद भरने के संबंध में, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर संख्या भी होगी, भारत सरकार भी होगी, विषय भी होगा, बीच में परिपत्र लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा इसमें। तो ये सब चीज़ें हैं, परिपत्र को हम लोग एक सरकारी पत्राचार का स्वरूप नहीं मानते हैं। प्रेस विज्ञप्ति का फॉर्मेट आपको दिखा देते हैं। प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज पीआईबी पर आती है और पीटीआई पर भी आती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सरकार जो भी चीज़ें कर रही है जो पब्लिक को दिखाना जरूरी है, जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, जो सब कोई जाने, जिनका अधिकार है उन सबको दिखाना। जैसे रोज पीआईबी में कुछ ना कुछ छपता है, इसका अपॉइंटमेंट हुआ है, ये सब चीज़ें, तो वो होती है प्रेस विज्ञप्ति। हालांकि पीआईबी पर मैंने नहीं लिखा हुआ देखा है कि कभी भी कि इसको इस दिनांक या उससे पहले प्रकाशित ना किया जाए, क्योंकि वो हमारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, पीआईबी की वेबसाइट पर। अगर ये किसी न्यूज़पेपर वाले के पास जाने वाली होती है तो लगभग सेम फॉर्मेट ऐसा रहता है। प्रेस विज्ञप्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ आप ये जान लीजिए कि इसमें संपादन करने का अधिकार नहीं होता है, संपादक अपनी सुविधा अनुसार इसको संपादित नहीं कर सकता है। किसको? प्रेस विज्ञप्ति को। प्रेस टिप्पणी को कर सकता है, प्रेस टिप्पणी को छोटा बड़ा कर सकता है, उसके शब्दों को बदल सकता है, लेकिन प्रेस विज्ञप्ति को जरा भी संपादित करने की गुंजाइश नहीं होती है। प्रेस विज्ञप्ति अगर सरकार ने जारी की है तो जो भी न्यूज़पेपर वाले हैं उसको वैसा का वैसा ही छापने का काम करते हैं। ये प्रेस विज्ञप्ति का एक उदाहरण दे रखा है एसएससी का, कर्मचारी चयन आयोग का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। इसमें क्या है, सबसे पहले लिखा जाता है दिनांक इससे पहले प्रकाशित ना किया जाए, प्रेस विज्ञप्ति ये बीच में लिखा जाता है, फिर उसके बाद विषय यहाँ पर लिखा जाता है, ये ज़रूरी है, और फिर बाद में जो मेन कंटेंट है कि इसके द्वारा ये जो है भर्तियाँ निकली हैं इतने इतने पदों के लिए, और बाद में लिखा जाता है मतलब आयोग का नाम, आयोग का पता और दिनांक और संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। और ये रहा यहाँ पर कि मुख्य सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, भारत सरकार, नई दिल्ली, संपादक डैश को ये देने लिखने को दे रही है छापने को। और ये उसी के पास इस तरह की कॉपी होगी, उस एडिटर के पास जो छापने जा रहा हो। हम लोगों के पास जो कॉपी आती है वो डिफरेंट हो जाती है। हम वहाँ पर क्या होता है कि ये चीज़ मिसिंग होती है और ये चीज़ मिसिंग होती है, संख्या भी ऊपर चली जाती है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी ऊपर चला जाता है। आप पीआईबी में गए होंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी। जो मेन कंटेंट था मैंने आपको दे दिया है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है, और लास्ट मोमेंट में आप हिंदी के प्रैक्टिस सेट ज़्यादा चाहते हैं, जीएस के चाहते हैं, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए वीडियो के लिए, वंदे मातरम।